हैदराबाद में 28 नवंबर की सुबह एक लड़की की जली हुई लाश। पुलिस को शक है कि उसे जलाने के पहले दोस्तों, मेरा नाम सारांश है, यू कैन कॉल मी शिकारी। लड़कियों के रेप के मामले रोज ही सुनने को मिलते हैं। थोड़े दिन न्यूज सोशल मीडिया पे शेयर होती है, बस सब खत्म। बट आज मैं इस रैप के माध्यम से आपको पास में लेके चलता हूं। शब्दों पे गौर कीजिएगा। हाँ, सुनसान की सड़क और रात भी अंधेरी, न भाई साथ में था और न ही कोई सहेली। प्रियंका था नाम, खत्म करके अपना काम, नौकरी से घर आने को निकली वो अकेली। बेटी घर आई नहीं, परेशान थे घर वाले, रास्ते में कुछ दरिंदे उस पे गंदी नजरें डाले। स्कूटी हुई खराब, कॉल करके घर पे बोली, कुछ ठीक नहीं लग रहा मैं ना, मुझे बचा ले। चार थे दरिंदे, चारों थे नशे में चूर, भाग भी ना पाई घर से थी वो काफी दूर। अगले ही पल इन दरिंदों ने कुछ ऐसा किया, भगवान भी कांपे हैं देख के ऐसी करतूत। रंग के साथ साथ दिल के भी थे काले, वो माँ भी है शर्मिंदा जिसने ऐसे लड़के पाले। जानवरों से भी बदतर थे हवस के पुजारी, रेप करके कर दिया उसे आग के हवाले। तड़प तड़प के मर गई वो, किसी ने ना बचाया, जाने कुदरत ने कैसा सितम उस पे बरसाया। जालिमों ने छीनी हंसते होठों की हंसी, पल भर में राख हो गई वो जो कभी थी सुंदर काया। लेकिन समाज क्या कहता है वो भी सुनिए। जब लड़के घूरे तो तुमने छोटे कपड़े पहने हैं, मौन रह के तुमको दुनिया भर के ताने सहने हैं। जो माल कहते लड़कियों से उनसे बस ये कहना है, एक बात हमेशा याद रख, तेरे घर में भी बहने हैं। कहने हैं दुनिया भर के गलती तुम्हारी ही होगी, समाज करेगा जुल्म तुम बस उसको सहोगी। कोई यहाँ पे उसकी समस्या भी सुनो, या ऐसा यहाँ नियम है तुम लड़की हो तो रोगी, या ऐसा यहाँ नियम है तुम लड़की हो तो रोगी। बेटियों को गर्भ में ही मारने वालों, एक बात तो बताओ, क्या बेटियां इंसान नहीं? बेटा हो तो कहते भगवान ने दिया है, क्या बेटियां बनाने वाला भगवान नहीं? किस बात का है भेदभाव ये बताओगे, कब तक तुम बेटियों को इस तरह सताओगे? बेटियों को मार दोगे बेटियां जब होंगी नहीं, ये बताओ तुम मुझे बेटा कहां से लाओगे? ये सवाल तो सबके जहन में आता है, मगर एक पिता जो अपनी बेटी को गर्भ में मार देता है, उसका समाज को शर्मसार कर देने वाला जवाब यह सुनिए। अपने दिल के टुकड़े को हाथों से मारने में क्या सोचा तुमने, कितने टुकड़े हुए मेरे दिल के। नन्ही सी कली थी वो, समाज में थे भेड़, ये समाज की दरिंदगी में क्या करती वो खिलके। पर पालते हम उसको, संभालते घर उसको, फिर प्यार मोह भी उससे बढ़ने लगता हल्के हल्के। पर जब वो बड़ी होती कोई उसको भी जला देता, फिर देख नहीं पाती अपनी आंखों से वो फलके। देश में अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे, इंसान बेटियों को भेड़ियों के जैसे खा रहे हैं। आप हमसे पूछते कि बेटियां क्यों मारते, सुनिए हम अपनी बेटी को रेप से बचा रहे। देश में रोज ही छाती है नई उदासी, जनता है भड़की हुई, नेता ले रहे उबासी। एक ही निवेदन है मेरा मोदी सरकार से, रेप के आरोपितों को मिलनी चाहिए फांसी। ऐसी समस्या का कोई तो उपचार दो, जो भी रेप करे गोली सीने में उतार दो। बेटी खुद ही कहती है कि पापा मुझे जीना नहीं है, घुट घुट के जीने से अच्छा गर्भ में ही मार दो, घुट घुट के जीने से अच्छा गर्भ में ही मार दो। कहते हैं बेटी में होता माँ लक्ष्मी का वास, पर इंसान की शक्ल में भेड़िए हैं आसपास। गर कम नहीं हुआ बेटियों पे जुल्म ढाना, तो निश्चित ही हो जाएगा सृष्टि का सर्वनाश।